हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4.6 के 7 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इससे पहले के जो 6 क्वेश्चन हैं और इससे पहले की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 से लेकर 10 क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मगर मैट्रिक्स मेथड से। अब ये मैट्रिक्स मेथड होता क्या है मैं क्वेश्चन में ही आपको बताकर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, इस टाइप की इक्वेशन जो है आपके पास पहले भी आ रखी है 10th क्लास के अंदर। तो 10th क्लास के अंदर हम एक्स वाई निकालते थे बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, है ना। लेकिन 12th क्लास में क्या आ गया, मैट्रिक्स मेथड आ गया। अब मैट्रिक्स मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो जान लेते हैं होता क्या है और क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशंस को इसकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब मैं आपको बताता हूँ ए क्या होता है। ए होता है एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि इसके कोएफिशिएंट से बनेगी, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से बनेगी। तो कोएफिशिएंट क्या है, 5 2 7 3। तो 5 2 7 और 3, ठीक है भाई। और एक्स होगा वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, वेरिएबल एक्स और वाई, तो एक्स और वाई लिख देते हैं। और बी होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो नंबर है जिसमें वेरिएबल्स नहीं है, यानी कि 4 और 5। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में, आपको पहला काम आपका यही होगा कि इन इक्वेशंस को आपको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अब आगे क्या करना है समझते हैं, मैट्रिक्स मेथड है क्या। देखो भाई, यहाँ पर समझ लो, जैसे मान लो हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी है। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनी ए, सबसे पहले ना आपको इसका इन्वर्स निकालना होता है, ठीक है भाई। अब इन्वर्स निकालने के दो मेथड हैं, एक सीखा था मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन से, दूसरा सीखा डिटर्मिनेंट में। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। मैं लिख देता हूँ, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट में सीखा हमने इन्वर्स निकालना, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, जो मैट्रिक्स ये बन रही है, मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। लेकिन आप कहोगे इन्वर्स तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है। देखो भाई, अगर आपको एक्स निकालना है ना, आपको वेरिएबल निकालने हैं एक्स और वाई, तो ए को तो उधर भेजना होगा। देखो भाई, जैसे आपको लिखा हुआ आता था 2x इक्वल टू 4, तो आपको एक्स निकालना होता था, तो क्या 2 को उधर नहीं भेजते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ना ए, ये मुझे उधर भेजना है। अब मैट्रिक्स में ऐसा तो होता नहीं कि मैट्रिक्स इधर उधर चली जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन आप ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो हमने सीखा है लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय इनवर्स बोथ साइड। तो हमने क्या करा, ये आपको मैं प्रूफ बता रहा हूं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो भाई, ये प्रूफ है इस तरीके का कि वो जो मेन फॉर्मूला है वो कैसे बना। जैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी है, तो मैंने क्या करा, प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से दोनों तरफ। प्री का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब हमको पता है किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है आई और ये एक्स। तो ये एक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को जब आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही की वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये फॉर्मूला है आपका। देखो भाई, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही मिलता है ना, ऐसे ही यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि ए इंटू आई, तो क्या मिलेगा आपको, ए। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मेन आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आप कैसे बना वो मैंने यहाँ पर आपको बताया, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, प्रूफ आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप अगर दूसरे को समझा रहे हो तो समझा पाओ। लेकिन मेन जो मैट्रिक्स मेथड में फॉर्मूला यूज होता है ना, वो ये फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स चाहिए। लास्ट में ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, एक्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स भी। तो मुझे इसका इन्वर्स चाहिए। तो इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया, इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला है 1 बाय ए डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 15
-14। तो डिटरमिनेंट तो आ गया 1। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट तो 2x2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ये 3 हो गया, ये 5। इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये -2, ये -7। तो 2x2 का एडजॉइंट तो डायरेक्ट निकल जाता है। तो मेरे पास डिटरमिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट भी आ गया, यहाँ पर पुट करो तो क्या फॉर्मूला है? 1/a डिटरमिनेंट, मतलब 1/1। और एडजॉइंट क्या हो गया? 3 -2 -7। और तो 1 है बाहर, तो 1 तो लिखो ना लिखो, बात एक ही है। मतलब a इनवर्स क्या आया? 3 -2 -7 5, ये आ गया a इनवर्स। अब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला है? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो x क्या है? एक्स वाई। ए इनवर्स क्या आया? 3 -2 -7 5। और b क्या है? b है हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे लिखा था 4 5, ठीक है ना? तो ये हम 4 5 यहाँ पर पुट करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करूँगा जब, तो कैसे करूँगा? रो को कॉलम से। 3 4 कितना हो गया? 12। -2 5 कितना हो गया? -10। फिर रो की कॉलम से -7 4 कितना हो गया? -28। 5 5 कितना हो गया? 25। तो माइनस करके आया ये 2, 12 में से 10 गए 2, और -28 + 25 -3। अब होगा क्या? x की वैल्यू क्या हो गई? 2। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का। तो इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स मेथड से हमें इसका x और y की वैल्यू निकालनी होती है। अब यही प्रोसीजर हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। जैसे मान लो ये 8th क्वेश्चन है, आप देखो थोड़ा ये समझो ताकि आप डायरेक्ट बना पाओ, प्रूफ वगैरह कर लिया आप। अब देखो जैसे यहाँ पर भी क्या होगा? ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो ए क्या है? ए है 2 -1 3 4, ये बन गया। एक्स क्या है? एक्स वाई। बी क्या है? -2 3, बन गया कि नहीं? अब मुझे इसका, ये जो मैट्रिक्स है, मुझे इसका इन्वर्स चाहिए, ठीक है? इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं पहले। ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 12, 2 4 8, -3 1 -3। तो ये हो गया 8 + 3, ये हो गया 11। अब एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों की पोजीशन चेंज, ये 4, ये 2, इन दोनों के साइन चेंज। तो ये हो जाएगा 1, -1 का 1 हो जाएगा, और 3 का क्या हो जाएगा? -3। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया। तो फॉर्मूला क्या है? 1/a डिटर्मिनेंट 11, और ये हो गया 4 1 -3 2, ठीक है? तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? x इक्वल्स टू a इनवर्स। तो x क्या है? एक्स वाई। ए इनवर्स क्या है? 1/11 4 -3 1 2। और b क्या था हमारा? b है हमारा -2 3, है ना? तो यहाँ पर पुट करते हैं -2 3। तो ये हो गया मेरा x और y। तो ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। 4 और 2 हो गया -8, 1 और 3 हो गया 3, और -3 और -2, फिर रो, -3 और -2 हो गया 6, 2 और 3 हो गया। तो 1/11 बाहर है, -8 और 3 कितना हो गया? -5, 6 और 6 हो गया 12, ठीक है? तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब 1/11 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया -5/11, और ये हो जाएगा 12/11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5/11। y की वैल्यू कितनी आ गई? 12 बाय। तो इस तरीके से ये इसके आंसर्स हो गए, ठीक है ना? 9th देखो, क्वेश्चन 9 में भी क्या लिखेंगे? ए एक्स इक्वल्स टू, तो a क्या है? 4 -3 3 -5। x क्या है? एक्स वाई। और b क्या है? 3 और 7, ठीक है ना? सबसे पहले क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये हो गया 4 5 -20 -3 3 -9। तो ये हो गया -20 + 9, तो ये हो गया -11। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों की पोजीशन चेंज, तो ये -5 और ये 4, इन दोनों के साइन चेंज। तो -3 क्या हो जाएगा? +3, और 3 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इनवर्स क्या आ गया? इनवर्स आ गया, डिटर्मिनेंट कितना है? -11, और ये हो गया -5, 3 -3 और 4। आप क्या करो, ये जो नेगेटिव है ना, इसको अंदर ले जाओ, ठीक है? इस नेगेटिव को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो बचेगा क्या? देखो बाहर तो 11 रह जाएगा,
और अंदर माइनस चला गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 4, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एक्स क्या है, एक्स वाई। ए इनवर्स क्या आया, 1/11, 5, 3, माइनस 3, माइनस 4, और b कितना था देखो, b है 3/7, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3/7। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 3, 15, माइनस 3/7, माइनस 21, तो और 3, 3, 9, माइनस 4/7, माइनस 28, तो ये कितना हो गया, 1/11, 15 में से 21 गए माइनस का 6, और 9 में से 28 गए माइनस का 19, तो 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस 6/11, और ये माइनस 19/11, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई माइनस 6/11, और y की वैल्यू आ गई माइनस 19/11, सामने सामने इसकी वैल्यू हो जाती है, ठीक है ना। और ये है 10th क्वेश्चन 2x2 का, तो इसको भी लिख लो, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए कितना है, 5, 2, 3, 2, और x क्या है, एक्स वाई, और b क्या है। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन है 2x2 के, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए अब आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए इनवर्स निकलेंगे पहले। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ में ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, 10 - 6, तो ए डिटर्मिनेंट आ गया 4। एंड एडजॉइंट क्या आएगा इसका, एडजॉइंट है इन दोनों की पोजीशन चेंज, 2, 5, -2, -3। तो ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स हो गया हमारा 1/4, और ये 2, -2, -3 और 5। तो लास्ट में क्या फॉर्मूला यूज होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स हो गया एक्स वाई, और ये हो गया 1/4, 2 - 2 - 3 - 5, और b कितना हो गया, b हमारा था 3, 5, तो पुट कर देते हैं 3, 5। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2, 3, 6, -2, 5, -10, -3, 3, -9, 5, 5, 25, तो ये हो गया 1/4, 6 में 10 गए -4, 25 में 9 गए 16। अब इसको डिवाइड करते हैं, -4/4 कितना हो गया, -1, 16/4 कितना हो गया, 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1, y की वैल्यू क्या आ गई, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये 2x2 वाले जो मैट्रिक्स मेथड है ये आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में करेंगे 3x3 वाले जो एग्ज़ाम्स में आते हैं 6 मार्क के, ठीक है ना। तो तब तक के लिए साथ बनाए रखें, और वीडियो में अगर कोई पार्ट समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।